एक युद्ध मस्तनी तलाव इथं समोर वातावरण एक नंबर आहे भाई, एक नंबर टाइप आहे वातावरण. कन्फ्युजन था की आज वटेश्वर जाया मस्तनी तलाव. इस जगह पे पेट्रोल खत्म होगा ये नहीं सोचा था दोस्तों. नहीं ये खाएंगे वड़ा पाव खाएंगे. चलो चला एक साथ. कैसी कितना प्यारा लगता है ना. गूगल आंटी बोलती है ओड़की गांव से जाना पड़ेगा. चलो भैया बोले कि ना 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 बिकवा ना आगे नहीं जाने का दे 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 दे. हेलो एवरीवन, तो आज नए दिन के साथ नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं. बैक टू माय चैनल दोस्तों, कैसे हो. मजे में ही रहना क्योंकि लाइफ बहुत सुंदर है और ये जो व्लॉग है ये भी बहुत सुंदर होने वाला है दोस्तों. तो आज हम जाने वाले हैं मस्तानी तालाब घूमने के लिए जाएंगे मोटर राइड करते हुए और आपको वहाँ का भी सीन दिखाएंगे और मोटर राइड का भी मजे आपको मिलेंगे. लेकिन रूट अपना वही है, दिवेघाट से होके हम जाने वाले हैं. ठीक है, फाइनली इतना देर इंतजार करके दादुआ भी आ गया है. अब हम निकल रहे हैं. मस्तानी तलाव जायचं का वटेश्वर जायचं? हा तू सांग की. ह्यालाच जाऊ, मस्तानी तलावलाच जाऊ. वटेश्वरला तर गेलो लय वेळ आपण. हा फायनली कन्फ्युजन था की आज वटेश्वर जाया मस्तानी तलाव. तो अभी फाइनल हो गया, मस्तानी तालाब ही जा रहे हैं. सुबह तो मैं बोला था आपको कि मस्तानी तालाब जाने का है, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन था ही कि क्या करे. ये देखिए ये डुक और ये एमटी दोनों आज साथ में निकले हैं राइड के लिए और आज थोड़ा सा वीडियो वगैरह बनाएंगे शॉर्ट्स के लिए, फोटोशूट वगैरह भी करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि इसके साथ तो बहुत दिन हो गए अभी फोटोशूट नहीं किया है दोनों गाड़ियों का. और ये रोड तो आपको हर वीडियो में देखने को मिलता होगा. बोलते होंगे भाई ये इधर से बाहर निकलता है कि नहीं, क्या इधर ही घूमता रहता है सिर्फ. तो ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि अभी तो फिलहाल लॉन्ग रूट का तो नहीं बन रहा है प्लानिंग. राजा बोल रहा है मेरे को हेलमेट दो, क्योंकि उसको क्या है, उसको गाड़ी को भगाने का है. तो हेलमेट जब पहनते हैं तो ये हवा वगैरह नहीं लगती है ना मुंह को, तो भगाने में आसानी रहती है, इसलिए वो बोल रहा है मेरे को हेलमेट दो. तो उसको बोला आज नहीं हेलमेट, बाद में दूंगा. तो दोस्तों थोड़ा सा मतलब मेरे को लगता है थोड़ा मिठाई खा लिया जाए. नहीं मिठाई नहीं, वड़ा पाव खाएंगे. चलो थोड़ा सा गला ढीला करना पड़ता है गाड़ी का, जब तक गला ढीला नहीं होगा तो भागेगी कैसे भाई. अभी इसमें से कैसे निकले भाई बताओ. चलो भैया बोले कि ना 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 बिटवा ना आगे नहीं जाने का दे 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 दे. तो हम ऐसे निकल जाते हैं ना. गाड़ी चल रही है डंडी लेके, रास्ते का काम वगैरह वो जो चलता है ना उसके लिए वो बांधना पड़ता है ना रिबिन, तो इसलिए वो डंडा लेके जा रही है शहर जा रही.
अभी तक तो सर्विसिंग नहीं हुआ गाड़ी को, उससे पहले ही बहुत भगाई है गाड़ी, मतलब किलोमीटर के हिसाब से नहीं, स्पीड के हिसाब से बहुत भगाई है गाड़ी। जब सर्विसिंग को बोलने को मिलता है ना, जब फर्स्ट सर्विसिंग होगी तब थोड़ा सा इंजन फ्री चलेगा, अभी तो थोड़ा सा मतलब नया है तो समझ सकते हो आप कैसे चलता होगा। तो वातावरण एक नंबर है भाई, एक नंबर टाइट है वातावरण। थोड़ा सा भूख लगी है, यह आ गई डुक, यह आ गई एमटी, अपनी देख सकते हो भाई लोग, ये दोनों गाड़ियाँ साला एक साथ कैसी कितना प्यारा लगता है ना। तो चलिए फटाफट हम खाते हैं अभी वड़ा पाव और उसके बाद आगे का वीडियो बनाते हैं। ये देखो वड़ा पाव, तो आ जाओ दोस्त लोग खाते हैं वड़ा पाव। कितनी प्यारी लग रही है दोनों, ड्यूक एमटी। अभी खा लिया वड़ा पाव, थोड़ा सा पेट पूजा हो गया, अब जा रहे हैं मस्तानी तालाब। यहाँ से अभी नज़दीक है, यहाँ तो घाट चालू हो जाएगा अभी। गूगल आंटी बोल रही है ओड़की गांव से जाना पड़ेगा। पालखी आ रही है ना अभी, 14-15 तारीख को तो पालखी सासवड़ में होगी, इसलिए रास्ते का काम चालू है। देखो दोस्तों बैलगाड़ा शरीयत ये आंडा खोंडियाक्षी बका। हितन है ना, इधर से जाके देखते हैं दोस्तों कैसा है, होगा तो जाएंगे, नहीं तो किधर ना किधर तो मिल ही जाएगा ना। इकडून असं तिकडं असेल ना त्या वस्तीत निघायला असं तिकडं जायला, हे काय येत मस्त नि तलाव इथं समोर रोड से भी तो देखना पड़ेगा जाके भाई। नाही ती नीट लाग ना कस दर 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 करते हा। लयच खतरनाक रस्ते नाही आलो आपण, एक बार देख ली क्या कुण पण फिरू नाही ह्यो पण जातोय। चल मस्तनी तलाव को जाने का रास्ता अभी मिल गया है, अब जाएंगे वो उधर ऊपर वो स्पॉट है देखो, वो मस्तनी तलाव स्पॉट जो भी है, को कुछ भी बोल सकते हो उसको, ऐसे कोई किसी ने भी नाम नहीं रखा है, हमने ही 2-3 बार उसका अलग अलग नामकरण किया है, कभी मस्तानी तलाव कॉर्नर, कभी मस्तानी तलाव स्पॉट, कुछ ऐसे ही कुछ नामकरण किया है उसका। गर्मी है लेकिन 4 बजे के बाद देखो वापस बारिश चालू हो जाएगा हमारे इधर, अचानक से बारिश आ रहा है, बहुत बारिश, इतना कल गारा का बर्फबारी हुई है, गारा यार हिंदी में क्या बोलते हैं गारा ला, जो भी बोलते हो कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों क्या बोलते हैं गारा को। ये वेलकम बोनस क्या है, कितीची पावती काका एकदम आधी पाऊस आता काल भिजल्या बघा आता काय होणार त्याची अवस्था, सास ओढला काय पाऊस झालाय राव आम्हाला। तो ये है दोस्तों मस्तानी तलाव, बहुत ही सुंदर ऐसा तलाव है, हम पहली बार ही आए है यहाँ पे, तो
अच्छा लग रहा है दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है। लेवल लगा हुआ है गाड़ी। तो फाइनली हम पहुंच गए, इतना इतनी मेहनत करुण करुण, मतलब किधर किधर से रास्ता निकाला हमने, पता नहीं है दादा किधर से निकाला हमने रास्ता, एकदम ऑफ रोडिंग लद्दाख में जैसे सीन रहता है उस तरह से हमने उधर से उतरा हम, और उधर से उधर के हमको लगा ये शॉर्टकट होगा यहाँ पे घंटा उधर से जाके ऐसा घूम के, और फिर इधर से हमको आना पड़ा है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा स्टैंडबाजी मत कीजिए, स्टैंड में बोले तो ऐसा खुद का दिमाग मत लगाइए। हमको गूगल आंटी ने बोला था कि भाई नीचे से जाओ, लेकिन हमारे में ही कीड़ा था और वो कीड़ा हमने जरा के ले लिया है। ठीक है, तो गाड़ी को ऐसे उतरा के, ढाल से उतरा के किधर किधर से निकाला और फिर उधर से इधर आ गए, वो भी 20 रुपये इसको पार्किंग का देके, पार्किंग का है या किस चीज़ का है पता नहीं, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों यार, एक नंबर। क्या बांधकाम है, कब का बांधकाम है देख सकते हो, और आज का बांधकाम साला किया तो भी चरा पड़ जाते उसको, है ना दादा, चरा पड़न जाते ये बघ कवाचे कवा येते जायला, मतलब इतिहास बहुत ही पुराना रहा है इस तलाव का। और यहाँ पे भुयारी मार्ग है देखो, शनिवार वाड़े को जाने के लिए यहाँ से जाते है शायद, ऐसा बोला जाता है, ये नीचे जाता है रास्ता। दादा चल रहे जाऊन यू, तो पुढे चल मी माग चलतो, काय जरी बस दिशेने आलं तरी तुला धरल पहिलं, माझ काय भाऊ मी एकुलत एक ऐकूला, अयो लय खोलेला का हा? देख सकते हो दोस्तों आप बहुत ही नीचे जा रहे हैं हम, भुयारी मार्ग के लिए कितना नीचे आज गए देखो। पानी 8 लोग का है, पानी इधर इकड़ का है, ही का है नाला है का है काही तरी इकड़ अंधारात दिसतोय सगळा, वो गटर लाइन नाही ती भुयारच आहे, त्याच कुठवर जात असेल तर ती तरी पाणी नाही येत वर, कसं काय पावसाळ्यात मला वाटतं गज भरते काय का नाही, आत्ता पाणी नाही मग त्यातनं जायचं कसं भुयारात ना, त्या झोपत कसं काय जायचं, हा कसलं बांधलंय वर दाखव रो जा, हो इकडं काय खिडकी टाईप आहे, म्हणजे कसं बांधकाम केलं असेल पहिलं चार, हा दोस्तों उस टाइप का बांधकाम जबरदस्त है भाई, उस जमाने में भी कैसे आर्किटेक्चर की होगी, मारुति राय का मंदिर गणपति बप्पा मौर्या मंगल मूर्ति मौर्या गणपति बप्पा, बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों मन, ये मस्तानी तलाव आज तक वहां से देखा करता था हम, वहां से उधर से दिखता है वो पॉइंट, लेकिन आज खुद यहाँ पे आके हम देख रहे हैं। थोड़ा सा गाड़ियों का भी हम शूट करेंगे, वो बोल रही होंगी साला तुम लोग तुम्हारा ही शूट कर रहे हो और हमने क्या किसी का घोड़ा मारा है क्या, तो उनका भी शूटिंग निकालेंगे दोस्तों। अभी थोड़ा सा पियेंगे स्टिंग और उसके बाद अभी चलाएंगे फिर गाड़ी को उधर छाव में लेके जाएंगे और छाव में बढ़िया सा फोटो वगैरह निकालेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा अंदर की तरफ उधर जाएंगे, उस तरफ जाएंगे, वहाँ पे भी थोड़ा सा गाड़ी का फोटो वगैरह शूट करेंगे, ये अभी तो किया है हमने, और अंदर भी जाके उधर शूट करेंगे, इसका भी हो गया
इसका भी हो गया शूट करके, और हमें थोड़ा सा ब्रेकिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आने लगा है पीछे की, पता नहीं क्या, लेकिन कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है, ब्रेक ठीक से नहीं लग रहा है। यहाँ पे भी थोड़ा सा फोटो वगैरह निकालेंगे, अंदर आके देख सकते हो खतरनाक है ना भाई। पेट्रोल दादा गाड़ी से इसका भी, और अभी इसका गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है। हमने सोचा था कि इसका हम पेट्रोल खत्म होने के बाद एक लीटर में कितना किलोमीटर जाती है तो माइलेज का टेस्टिंग लेने वाले थे, लेकिन इस जगह पे पेट्रोल खत्म होगा ये नहीं सोचा था दोस्तों। पेट्रोल खत्म होने का तो हम राह देख रहे थे, लेकिन ऐसी जगह पे जहाँ पे पेट्रोल पंप ना इधर ज़्यादा 5-6 किलोमीटर इधर है, ऊपर 8-10 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ेगा। तो देखते हैं, अभी इसका भी गारंटी नहीं है क्योंकि इसका भी कांडी नहीं दिख रहा है अभी, वो अभी चेक कर रहा है। देखो हिला हिला है क्या, मतलब आज शायद हमको लोगों को धकेल के ही लेके जाना पड़ेगा गाड़ी को। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए होता है दोस्तों। चलो अभी बढ़िया सा जो जिसके लिए आए हैं वो चीज़ करते हैं, और बढ़िया से इसका फोटोशूट वगैरह करेंगे, क्योंकि हम इधर से अभी अंदर आ चुके हैं और ऊपर का वातावरण भी ज़बरदस्त हो रखा है। और ये है मस्तानी पॉइंट, इधर ऊपर आप लोगों को दिख रहा होगा वो बस जा रही है, ये है दिव्य घाटपुरा और ये है मस्तानी तालाब जिसके अंदर अभी हम है। ठीक है दोस्तों, अभी तक तो 2 किलोमीटर आ चुके हैं हम, लेकिन अभी तक तो कोई गाड़ी ने ये नहीं दिया है, ट्रबल नहीं दिया है। दोस्तों हम तो पहुंच चुके हैं अभी पेट्रोल पंप पे, शायद ऐसा लग रहा था कि चली जाती, अगर निकल जाते ना ऊपर तो चली जाती हमारी गाड़ी। ठीक है, तो दोस्तों हमने डलवा लिया पेट्रोल, ज़्यादा नहीं डलवाया क्योंकि हमें इसका लेना है रिव्यू, कितना किलोमीटर जाती है उसका रिव्यू लेने का है गाड़ी का, तो आज वो नहीं हो सकता क्योंकि हमारा मोबाइल में उतना वीडियो नहीं बन पाता है, एक दिन का एक व्लॉग और एक वीडियो बन जाता है इसमें। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा वीडियो बनाने के बाद ही उसमें एडिटिंग के टाइम पे वो जितना चाहिए उतना हम कट करके ले लेते हैं शॉट, तो आज उतना नहीं इसमें नहीं हो पाएगा, इसलिए कम डलवाया। दोस्तों ये है विठू माऊली की मूर्ति, और विठू माऊली के मूर्ति के पास इस ब्लॉग का हम एंड करते हैं। वीडियो बहुत लंबा होने वाला है इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं दोस्तों, और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नए हो तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही प्यार बनाए रखने का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, नए कंटेंट के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।